हरे कृष्णा। गृहस्थ आश्रम की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो पहले प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांध से ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येना तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नामिने। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणीय निर्विशेष शून्यवादी पश्चात अधिष्ठानीय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। तो गृहस्थ आश्रम की जो कॉन्टिन्यूशन क्लास में हम रोल ऑफ वुमेन एंड मेन डिस्कस कर रहे हैं, उसमें अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं कोऑपरेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो एक गृहस्थ आश्रम में एक स्त्री और पुरुष कैसे सहयोग कर सकते हैं एक दूसरे को, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के थर्ड कैंटो के 23rd चैप्टर के फर्स्ट श्लोका में शिला प्रभुपाद बताते हैं, द वाइफ इज डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड। वाइफ इज डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड एंड इफ द हस्बैंड इज अ वैष्णवा देन नेचुरली शी शेयर्स द डिवोशनल सर्विस ऑफ द हस्बैंड बिकॉज शी रेंडर्स हिम सर्विस। तो यहाँ क्या बता रही है, एक वाइफ जो है वो डिपेंडेंट होती है अपने हस्बैंड पे। केस क्या है कि जब वो वैष्णवा है, अगर वो वैष्णवा है उसका हस्बैंड, तो जो भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस वो करते हैं, जो भी डिवोशनल एक्टिविटीज वो करते हैं, वो उसका शेयर जो है उनकी पत्नी को भी मिलता है। क्यों मिलता है, क्या रीजन है कि उनको शेयर मिलता है? ऐसा होता है ना कि ऐसा बोलते कि आप जो भी माला कर रहे हैं या कोई भी डिवोशन सर्विसेज कर रहे हैं, तो उसका आधा भाग आपकी अर्धांगनी को मिलेगा। तो वो क्यों मिलता है, क्योंकि जो उनकी अर्धांगनी है वो क्या कर रही है, वो शी इज रेंडरिंग सर्विस टू हिम, वो सेवा कर रही है। तो ये क्या है, शिला प्रभुपाद समझाते हैं, दिस इज रेसिप्रोकेशन ऑफ सर्विस एंड लव। ये आदान प्रदान है सेवा और प्रेम का जो एक हस्बैंड एंड वाइफ में होता है। एंड दिस इज आइडियल फॉर हाउस होल्ड लाइफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वाइफ डिपेंडेंट है एक वैष्णवा हस्बैंड के ऊपर, और वो शेयर क्या करती है, क्या मिलता है उसको, डिवोशनल सर्विस का। जो भी उसका हस्बैंड डिवोशनल भक्ति कर रहा है उसमें उसको एक भाग मिलता है। क्यों, क्योंकि वो उसकी सेवा कर रही है। फिर श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो में शिला प्रभुपाद समझाते हैं कि हस्बैंड शुड बी अ प्योर वैष्णवा। यहाँ पर फोकस क्या है कि ये हम लोग नॉर्मल वर्णाश्रम धर्म की बात नहीं कर रहे, हम वैष्णवास की बात कर रहे हैं। हस्बैंड शुड बी अ प्योर वैष्णवा एंड दैट अ वुमेन शुड बी अ चेस्ट वाइफ विद ऑल द सिम्टम्स डिस्क्राइब इन दिस रिगार्ड, देन बोथ ऑफ देम विल बी हैप्पी एंड मेक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो क्या कंडीशन बता रहे हैं शिला प्रभुपाद कि हस्बैंड को प्योर वैष्णवा होना चाहिए, और पत्नी कैसी होनी चाहिए, पतिव्रता होनी चाहिए, साध्वी बुलाते हैं। चेस्ट को जब हम ट्रांसलेशन देखते हैं तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं साध्वी, जिसके अंदर सब साधु के गुण हैं। तो ऐसे अगर एक ही कपल बनता है तो क्या होगा, ये दोनों खुश रहेंगे अपने गृहस्थ आश्रम में और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करेंगे कृष्ण भावनामृत में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में। फिर आगे एक रूम कॉन्वर्जेशन जो अमरीश प्रभु जी और कैथोलिक प्रीस्ट के बीच में हुई, वहां पर शिला प्रभुपाद समझाते हैं, एज सुन एज देयर इज नो क्वारल, अगर हस्बैंड एंड वाइफ में कोई झगड़ा नहीं है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर, है ना, किस लिए झगड़ा किस लिए होता है मेनली, कि डिमांड्स होती हैं कि ये चाहिए और चाहिए, है ना। अगर नहीं है, अगर एक हस्बैंड जो है वैष्णव हस्बैंड है वो ऑनेस्टली अर्न कर रहा है, यू नो ही इज अर्निंग, लेकिन ऑनेस्टली अर्न कर रहा है, और जो उसकी पत्नी है वो इंटेलिजेंट है, वो उसी अमाउंट में जो भी अर्निंग आ रही है उसके अंदर ही वो मैनेज कर रही है, एंड देयर इज नो डिमांड, है ना, ये चाहिए वो चाहिए, तो क्या होगा, उनका ये जो परिवार है, जो गृहस्थ आश्रम है, वो सुखाल सुखशाल से चलेगा। सो सॉरी, वो सुखी रहेंगे इसमें और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी करेंगे, क्योंकि शिला प्रभुपाद हमेशा समझाते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। फोकस हमारा सामान पे, ये मेटीरियल ऑपुलेंसेस इकट्ठा करने में नहीं है, हमारा फोकस है अपने आप को कृष्ण भावना भावित में भावना में आगे बढ़ाना। अब यहाँ पर शिला प्रभुपाद जो 3rd कैंटो में जहाँ पर वो विवरण दे रहे हैं देवहूति माता का और कर्दम मुनि का, वहां पे उन्होंने एक चेकलिस्ट बना के दी है कि किस तरीके से हमारे को एक गृहस्थ जीवन में
स्त्री पुरुष आपस में सहयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो शब्द जो है बड़े सिग्निफिकेंट है, शिला प्रभुपाद बताते हैं, विश्रम्भेना एंड गौरवेना। तो सबसे पहला वर्ड जो है विश्रम्भेना मीन्स विद इंटीमेसी, आत्मीयता के साथ, और गौरवेना विद ग्रेट रेफरेंस। तो ये जो दोनों प्रोसेस है ना, बहुत ही आत्मीयता के साथ और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ आपको सर्व करना चाहिए, किसको, अपने हस्बैंड को और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड को। दोनों को तरीका यही है। तो शिला प्रभुपाद समझाते हैं जो एक पति है, जो हस्बैंड है, वो क्या होता है, वो बहुत ही इंटीमेट फ्रेंड होता है ना। तो जो उसकी पत्नी है उनको ऐसी ही सर्विस करनी चाहिए जैसे वो अपने एक सुहृद मित्र को करेगी, है ना। तो ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड जो है वो सुपीरियर होता है इन पोजीशन वैदिक स्क्रिप्चर्स के हिसाब से भी, तो उसको ऑल रिस्पेक्ट देना चाहिए एक स्त्री को या एक पत्नी को। ये इम्पोर्टेंट है कि आपको एक फ्रेंड समझना है, साथ साथ में आपको रिस्पेक्ट भी देना है। शिला प्रभुपाद आके समझाते हैं कि जो एक मेन साइकोलॉजी होती है और जो वुमेन साइकोलॉजी होती है वो डिफरेंट होती है। यू नो डिफरेंस है मेन और वुमेन में। और तो उसकी साइकोलॉजी, मेन इंटेलिजेंट बोलते हैं लेकिन वुमेन को इमोशनल बोलते हैं, सेंटिमेंटल बोलते हैं, केयरिंग बोलते हैं। पर कई दफा स्त्रियों को बहुत बुरा लग जाता है, यू नो लेडीज को, क्या रे ये इंटेलिजेंट नहीं बोल रहे। मतलब ठीक है, इंटेलिजेंट है पर वो सेंटिमेंटल है, इमोशनल है, अलग अलग साइकोलॉजी होती है दोनों की। और बॉडी स्ट्रक्चर में भी क्या होता है, मेन हमेशा थोड़े ज्यादा स्ट्रेंथ होती है उनके अंदर। तो इस तरह से अगर हम देखें तो नेचुरली वो अपने हस्बैंड से इंफीरियर होती है। तो ये जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना, तो ये हस्बैंड को अपने आप को सुपीरियर पोस्ट करने की एक आदत हो जाती है। तो क्या होना चाहिए इसमें, वाइफ को क्या करना चाहिए, टॉलरेट कर लेना चाहिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बात हो रही है देन शी शुड गिव रिस्पेक्ट कि चलो ठीक है, ही इज सुपीरियर टू मी, तो मुझे इसकी अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। तो यहाँ पे एक अच्छा वर्ड आया, टॉलरेट करना चाहिए। टॉलरेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लिए तो फ्री ट्रेनिंग है, यू नो मुझे ऐसा लगता है, पहले मुझे बहुत ही बुरा लगता था जब मैं देखती थी, अच्छा प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वुमेन लेस इंटेलिजेंट है एंड यू नो एवरी टाइम शास्त्रज में आता है इंफीरियर है, यू नो लेस स्ट्रेंथ है, क्यों ऐसा बताते हैं। लेकिन यहाँ पे तो जब आगे पढ़ा, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं शिक्षा अष्टकम, उससे बताते हैं ना, तृणादपि सुनीचेन, तो आपको कैसा समझना है, सुनीचेन मतलब नीच से भी सु समझना। तो फ्री ट्रेनिंग यहाँ पे शिला प्रभुपाद दे रहे हैं कि हमको क्या करना है, कि जो टॉलरेट करना हमको सीखना है। टॉलरेट करना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भक्ति में आगे प्रगति करने के लिए तीन चीजें चाहिए, विनम्रता चाहिए, क्षमा चाहिए और दया चाहिए। तो टॉलरेट करना सीखना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे बता रहे कि आपके जो पति हैं आपके बड़े इंटीमेट फ्रेंड हैं, तो फेमिलियरिटी दैट ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ऐसा नहीं कि फ्रेंड है तो चलो आप ध्यान नहीं रखो ना, आपको उनका प्रॉपर केयर करना चाहिए। जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जैसे लक्ष्मी जी हैं, वो इतनी ऑपुलेंस है उनके पास, लेकिन उनके उनके पास मेड सर्वेंट है, लेकिन वो अपने पति जो नारायण है उनको खुद सर्व करती है, उनके पैर दबाती है, उनको चंदन लगाती है। ऐसे रुक्मणी द्वारकाधीश का भी हमने एग्जाम्पल समझा था कि वहां पे भी रुक्मणी जो है वो इतनी उनके पास सुख सुविधा है ना, हेल्प्स है उनके पास मेड है, लेकिन वो खुद ही अपने पति की सेवा करती है, जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। और आगे बताते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन में एक चीज और भी है कि वाइफ अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती। तो ये शिला प्रभुपाद ने मेंशन किया, कोई उनके पास केस हुआ होगा इससे, तो वो बता रहे कि ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी नहीं है कि वो अपने पति का नाम ले। आगे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि इन्फ्योरिटी इंस्प्योरिटी जो सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, लेकिन एक स्त्री को क्या चाहिए, उसको अपना कंट्रोल करना सीखना चाहिए ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो क्या होना चाहिए कि हमेशा उसको अपने हस्बैंड को स्वीट वर्ड से केयर करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जो एक व्यक्ति है वो बाहर जाता है ना अपनी लाइवलीहुड के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, तो उसको मेटीरियल एनर्जी से फेस करना पड़ता है, जिससे एजिटेशन होती है। तो एटलीस्ट उसको बाहर एजिटेशन हो रही है, तो घर में उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए उसको, वाइफ को, स्वीट वर्ड्स के साथ। तो ये शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं श्रीमद् भागवतम के थर्ड कैंटो में।
आगे शीला प्रभुपाद बताते हैं कि क्षत्रियाज एंड गृहस्थाज हाउएवर एक्चुअली नीड द एनकरेजमेंट ऑफ देयर वाइव्स। तो अब तो एक तो बता दी कि आपने उनकी केयर करनी है ना विद रिस्पेक्ट एंड एज अ इंटीमेट फ्रेंड। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपको एक वाइफ को क्या करना चाहिए, इनकरेज भी करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थास जो है और क्षत्रिया जो है उनको चाहिए होती है, उनको एसोसिएशन चाहिए एक गुड वाइफ की, जिससे वो अपनी जो लाइफ कर्मा और पॉलिटिकल अफेयर्स में वो उनको हेल्प करती है अपनी इंटेलिजेंस से। एक लेडीज जो है उनकी हेल्प करती है। और भगवद गीता में आगे बताते हैं शीला प्रभुपाद के जो हस्बैंड है वो स्पिरिचुअली एडवांस्ड अगर हो जाता है तो उसकी पत्नी को सेम बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे सौरभ मुनि का सौभरी मुनि का शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो अगर एक पत्नी फेथफुली है ना अपने पति की सेवा कर रही है तो उसको क्या मिलेगा, ऑटोमेटिकली उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने की ऑटोमेटिकली। तो कई दफा यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सर्वेंट आ रहा है, तो सर्वेंट शब्द अच्छा नहीं लगता। और सुबह हम क्या बोलते हैं सब लोग संकल्प मंत्र करते हैं ना, मैं एक अणु आत्मा हूँ भगवान श्री कृष्ण आपका शाश्वत दास या दासी हूँ। लेकिन यहाँ पे जब दासी शब्द यूज हो रहा है तो हमें अच्छा नहीं लगता। मैंने अभी जैसे बताया था भगवान ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है हमारे जीवन में जो हमारे बहुत ही पास है वहीं पे टेस्टिंग होती है। बाहर तो हम बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, सब गुड वैष्णवा है ना, बहुत अच्छे से माता जी प्रभु जी बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। लेकिन जब हम घर आते हैं है ना, जब हमारे वैष्णव पति या पत्नी है तो हम भूल जाते हैं। तो वहां पे हमें याद नहीं रहते हमारे कोई भी संकल्प मंत्र या कोई भी नॉलेज शीट जहाँ हम पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं टॉलरेट करना है, फॉरगिव करना है ना, उसके लिए प्रे करना है ना, एज अ सर्वेंट हर एक को सर्व करना है, मैं तो तुच्छ हूँ है ना, मैं क्या त्रणादपि सुनी चेन तरोड़पि सही सुना, वो सब भूल जाते है ना। और क्या समझते हैं, नहीं यहाँ पे मेरे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, हम इसको सोचना चाहिए कि अगर कोई बाई चांस हमारे साथ अच्छी ट्रीटमेंट नहीं भी हो रही है तो क्या दिस इज माई ओन कर्मा। अगर आज नहीं हो रही समथिंग, मैंने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से मुझे ये मिल रहा है। और अगर आप फेथफुल सर्वेंट की तरह सर्व करते हैं, यू नो बहुत ही निष्ठा से अगर आप उनको सर्व करते हैं तो क्या होगा, एक स्त्री को तो बेनिफिट ज्यादा है कि ऑटोमेटिकली ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे कर्दम मुनि और देवहूति माता का है कि उनको क्या हुआ, जब तक वो उन्होंने अपने पति की बहुत अच्छे से सेवा करी, वो बहुत ही ऑपुलेंट फैमिली से थी, राजा की पुत्री थी, लेकिन उन्होंने इसका ध्यान नहीं दिया, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दिया, हमेशा उनकी इतने अच्छे से सेवा की तो क्या मिला, फिर उनको एक बहुत अच्छा, जैसे उन्होंने एक विमान बनाया जिसमें पूरा उनको घुमाया और बहुत ऑपुलेंस उनको मिली। फिर उससे भी ज्यादा बढ़कर क्या उनको शीला आ, आ, कपिल मुनि, कपिल मुनि जो भगवान स्वयं अवतार है वो पुत्र के रूप में प्राप्त हुए और आख बाद में उनको कृष्ण भावना अमृत में भी प्रगति मिली और उन्होंने वापस शी वेंट बैक होम बैक टू गॉडहेड, जस्ट किया कि उन्होंने अपने पति को फेथफुली सर्व किया। ऐसा एग्जाम्पल एक और आता है शास्त्रों में फोर्थ कैंटो में जहां पर चर्चा आती है हाँ पृथु महाराज की और अर्ची महारानी, जो अर्ची जो है वो क्या है, वो लक्ष्मी जी का अवतार है। क्या होता है वो भी पूरा जब तक वो वहां रहती हैं महल में रहती हैं हमेशा उनको सर्व करती रहती हैं, और जब वो जंगल में भी जाते तो वहां पर भी सर्व करते हैं। वहां जाकर पृथु महाराज इतनी ऑस्टेरिटीज करते हैं, यू नो पंच तपस्या जिसको कहते हैं, गर्मी में भी धूप में अपने आसपास आग को जला के बैठना और सर्दी में अपने गले तक पानी में रख अपने आप को रखना, यू नो ऑल अपनी ऑस्टेरिटी करते हैं बॉडीली लेवल पे। ऐसी और ऐसी जो ऑस्टेरिटीज है वो वुमेन के लिए पॉसिबल नहीं है और अर्ची महारानी कर भी नहीं पाती। लेकिन जब वो अपने इस भौतिक शरीर को छोड़ते हैं पृथु महाराज तो क्या होता है, दो प्लेन आते हैं, दो विमान आते हैं, एक में पृथु महाराज जाते हैं बैक बैक टू गॉड हेड और एक में अर्ची महारानी जाती है भगवत धाम वापस जाती है। क्या क्या क्वालिफिकेशन थी, क्या क्या किया उन्होंने कि उन्होंने फेथफुली सर्व किया अपने हस्बैंड को इन ऑल सर्कमस्टांसेस, डिफिकल्ट था ऑपुलेंट था हर सिचुएशन में उन्होंने अपने सर्व किया। उसके बाद बताते हैं कि बट इफ वन गेट्स, ये शील
श्रीमद् भागवतम की फोर्थ कैंटो में ही बताते हैं कि बट इफ वन गेट्स अ चेस्ट वाइफ, एक साध्वी वाइफ अगर मिलती है और आपने धार्मिक रिचुअल्स के हिसाब से उसको एक्सेप्ट किया है, तो क्या होगा कि कभी कोई बहुत डेंजरस सिचुएशन भी होगी तो उस आपकी जो पत्नी है वो आपको किसी भी डेंजरस सिचुएशन से निकाल सकती है, शी कैन हेल्प, क्योंकि क्योंकि धार्मिक विचारधाराओं से है, धार्मिक परिवार से है, तो वो उसके अंदर इंटेलिजेंस होगी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होगी जिसे वो प्रोटेक्ट कर सकती है। तो इस तरह से क्या होगा, लॉर्ड एक्चुअली मेक्स अ होम अ गृहस्थ आश्रम और हाउस होल्ड डेडिकेटेड टू स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, दोनों ही प्रगति कर सकते हैं। फिर आगे बताते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज फर्मली एस्टैब्लिश्ड। जो एस्टैब्लिश है, जो बेस रूट है, सिद्धांत क्या है, वाइफ इज फेथफुल एंड हस्बैंड इनसिंसियर। वाइफ का फेथफुल होना और हस्बैंड का सिंसियर होना जरूरी है एक हमारे गृहस्थ आश्रम की प्रगति के लिए या एक सफल गृहस्थ आश्रम के लिए। तो अगर ऐसा होगा कि कभी वाइफ अगर वो वीक भी है ना, अगर वो प्रॉपर डिवोशनल सर्विस नहीं भी कर पा रही, तो क्या होगा, शी शेयर्स हाफ ऑफ हर हस्बैंड एक्टिविटीज। ऐसा लग रहा है कि हम बॉडली डिवोशनल सर्विस नहीं कर रहे, लेकिन वी आर सर्विंग, वी आर फॉरगिविंग, वी आर टॉलरेटिंग, है ना, वी आर सर्विंग एज इन मूड ऑफ अ सर्वेंट, दास 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 अनुदास के भाव में हम कर रहे हैं, तो हमारा भी कल्टिवेशन हो रहा है एज अ लेडीज में बात कर। तो दीज आर सम थिंग्स विच आर गिवन बाय शिला प्रभुपाद। एक और शिला प्रभुपाद अब बहुत सारी स्त्रियों के बारे में बना देने के बाद अब नेक्स्ट बताएंगे कि मेन का क्या रोल होता है। तो सेकेंड चार्ज जो उनकी एक शास्त्र है, बुक है, उसमें बता रहे, अ प्रॉपर फैमिली लाइफ मीन्स दैट हस्बैंड शुड बी प्रोटेक्टिव, हस्बैंड शुड बी प्रोटेक्टिव, द वाइफ चेस्ट, चेस्ट होना चाहिए मतलब पवित्र पतिव्रता होना चाहिए, साध्वी होना चाहिए, एंड द चिल्ड्रन आर ग्रेटफुल। तो यह क्वालिफिकेशन बता दे कि प्रॉपर फैमिली जो है उसका क्या बेस क्या रहेगा, कि हस्बैंड को प्रोटेक्टिव होना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, पत्नी को साध्वी होना चाहिए, और जो उनके बच्चे हैं उनको कृतज्ञ होना चाहिए, बच्चों को सोचना चाहिए कि मेरे माता पिता ने मेरे पे कितना मेरा ध्यान रखा है, जब मैं नहीं चल पाता था, मैं खा नहीं पाता था, मुझे अच्छी एजुकेशन दी, मुझे अच्छा लाइफ दिया, है ना। तो ये सोच के बच्चों को ग्रेटफुल होना चाहिए। और यहाँ पे बता रहे कि वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू बी फेथफुल, और हस्बैंड को भी ग्रेटफुल होना चाहिए, ही शुड बी ऑल्सो ग्रेटफुल, है ना, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए अपनी पत्नी के लिए कि कितनी सेवा वो उनकी करते हैं बिना किसी इच्छा के, है ना, मोस्टली, एंड देन उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया कि हस्बैंड को ग्रेटफुल होना चाहिए, जो सेवा, जो सर्विस उसकी पत्नी उसके लिए करती है, उसके लिए उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे काफी सारे हमने डिस्कस किए कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं डाइवोर्स इज नो ऑप्शन। स्टिल फिर भी क्या होता है, पति पत्नी में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जब शिला प्रभुपाद वेस्टर्न कंट्री में गए, तो वहां पे उन्होंने सबसे पहले क्या 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 देखा उन्होंने कि चारों नियम भंग थे, वहां पे चारों नियम भंग थे, है ना। क्या था कि ना तो इलिसिट सेक्स भी था, यू नो, लिविंग टुगेदर रिलेशनशिप थे, मीट ईटिंग भी था, गैम्बलिंग भी था, इंटॉक्सिकेशन भी था, सब था। तो शिला प्रभुपाद ने सबसे पहले तो अपने डिसाइपल्स के क्या किया, उनके विवाह संस्कार को करवाया। फिर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आई वहां पे देखते हैं कि शिला प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे कि डाइवोर्स इज नॉट एन ऑप्शन। डाइवोर्स वर्ड जो है वो बड़ा आर्टिफिशियल है, वैदिक हमारे जो शास्त्र है उसमें है ही नहीं ये शब्द डाइवोर्स। तो शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं, ये एक लेटर्स हैं जो उन्होंने अपने शिष्याओं को लिखी हैं कि प्लीज नो इट दैट आई डू नॉट अप्रूव एनी वन सेपरेशन हु आर मैरिड बाय मी। मैं ऐसा सेपरेशन अपने शिष्यों के लिए अप्रूव ही नहीं करता, एक हस्बैंड और एक वाइफ के अंदर। वेन वन इज सेपरेट, यू नो, अगर ठीक है आपके बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है तो डाइवोर्स की कोई जरूरत नहीं, आप अलग अलग रहो, है ना, अलग अलग रहो, और आपका जो मेन पर्पस है, जो मेन फर्स्ट ड्यूटी है कृष्णा को सर्व करने की, वो करो अलग रहकर, बट नो मोर मैरिजेस। आपने एक बार ही शादी कर दी, उसके बाद आप बोलो नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, और डाइवोर्स ले लेंगे। डाइवोर्स लेने का पर्पस क्या है, दोबारा शादी कर लेंगे। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं ये कोई ऑप्शन नहीं है,
यू नो यू जस्ट फुली डिवोट योर सेल्फ टू कृष्णा, नो मोर मैरिजेस। फिर आगे नेक्स्ट बताते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे छोटे बच्चों में डिसएग्रीमेंट हो जाता है ना, आपस में बच्चे लड़ पड़ते हैं, तो वो इतना कोई सीरियस नहीं लिया जाता। ऐसे ही हस्बैंड फ्रेंड, जो हस्बैंड वाइफ है उसके अंदर भी अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, तो इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, उसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैरिड लाइफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट विमिसिकल लस्ट, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, ये क्या है, ये एक इटर्नल प्रिंसिपल है, रेंडरिंग डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा। हम यहाँ पे सर्व करने आए हैं कृष्णा को, तो वी आर सर्विंग कृष्णा थ्रू हिज डिवोटीज, थ्रू द वैष्णवास, हमारी ड्यूटी है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। फिर शिला प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, नो क्वेश्चन ऑफ डाइवोर्स, है ना, ऐसा नहीं है कि आपको कोई नीड आपकी पूरी नहीं हो रही, कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन में कुछ कमी है तो आप बोलो कि नहीं हमें साथ नहीं रहना। कभी कभी हो सकता है कि माया अटैक करे किसी भी पार्टनर पे, मगर क्या करना चाहिए, आप इसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए और सेपरेशन की बात नहीं करनी चाहिए। शिला प्रभुपाद आके समझा रहे हैं कि एक पत्नी को कैसे करना चाहिए, कि ऑर्डर करना चाहिए, जो हस्बैंड का आज्ञा का पालन करना चाहिए और उसको प्रसन्न रखना चाहिए। यू नो अगेन समझाने का प्रयास करें कि एक वाइफ की क्या ड्यूटी है, शी शुड कैरी आउट ऑर्डर्स एंड प्लीज हिम, है ना, और वाइफ को सबमिसिव होना चाहिए, है ना, और क्या करना चाहिए उस मगर वेस्टर्न कंट्री में बोलते हैं कि आप तो स्लेवरी बोलेगी, दिस इज नॉट स्लेवरी, दिस इज प्रोटेक्शन, दिस इज एन एटीट्यूड जो बिल्ड करना है, हमलनेस ही हमको, विनम्रता ही हमको अपने अंदर लानी है, दिस इज द मेन जो हमारे को भक्ति में आगे बढ़ा सकती है। तो अगर सबमिसिवनेस बता रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो और क्या बता रहे हैं कि आपको टैक्टिक से डील करना चाहिए जिससे आप स्वीट वर्ड से कॉन्कर कर सके हार्ट। हो सकता है आपका हस्बैंड कभी इरिटेटेबल हो जाए, क्रूअल हो जाए थोड़ा, यू नो अगर वो वैष्णवा नहीं है और वो फॉलन नहीं है, मतलब अगर वो चार नियमों का फॉलो कर रहा है, तो आपको उसके साथ एडजस्ट कर लेना चाहिए, थोड़ा टॉलरेट कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि जैसे हम अभी बात चर्चा कर रहे थे कि जो जो भी हमने कर्मास किए हैं, है ना, वो तो हमें फेस करना ही है। आज हमारे हस्बैंड के साथ कुछ डिस्प्यूट है, अगर हम इस सेपरेट भी रहते हैं तो वही जो कर्मा है डिस्प्यूट के, वो मुझे आगे मेरे बच्चे से मिल सकते हैं, फ्रेंड से मिल सकते हैं, रिलेटिव से मिल सकते हैं। सो वो आप क्या करें, मैक्सिमम पॉसिबल आपको इसको बाय टैक्स आपको क्या करना चाहिए, अपने पति का हृदय जीतना चाहिए अपनी सेवा से, उनकी आज्ञा पालन से और विनम्र भाव से। तो शिला प्रभुपाद लास्ट में समझाते हैं कि जो मैरिज है ये सीरियस बिजनेस है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मैरिजेस, नो क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन, नो डाइवोर्स, इट इज आर्टिफिशियल वर्ड। देयरफॉर आई एम आस्किंग ऑल दोस हु वांट टू बी मैरिड दैट दे साइन वन पेपर प्रॉमिसिंग दैट देयर विल बी नो सेपरेशन, नो सेपरेशन। हरे कृष्णा।